नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि दोष सिद्धि के बाद 5 साल बीत जाने पर भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है भले ही अपील लंबित हो। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने माना कि पासपोर्ट जारी न करने की जो रोक किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर सजा के 5 साल बीतने के बाद 2 साल से कम समय तक दोषी ठहराए जाने पर लागू नहीं होगी भले ही अपील लंबित हो। कोर्ट ने कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में जो मुकदमे के जो निष्कर्ष में काफी लंबा समय लगता है, दोषी ठहराए जाने के बाद 5 साल की जो अवधि बीत जाने के बाद भी आवेदक के न्याय से भागने की जो संभावना बेहद कम हो जाती है। हालांकि पूरी तरह से ऐसा नहीं हो सकता है। अदालत ने उन दोषियों द्वारा दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिन्हें सजा के 5 साल बीत जाने के बाद भी पासपोर्ट जारी करने या नवीकरण से वंचित कर दिया गया था क्योंकि उनकी जो अपील थी वो लंबित थी। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की जो धारा है 6 के अनुसार पासपोर्ट प्राधिकरण निम्नलिखित आधार पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकता है। 2(ई) की जो आवेदक को उसके आवेदन की जो तारीख से ठीक पहले 5 साल की अवधि के दौरान किसी भी समय भारत की एक अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसके संबंध में कम से कम 2 साल के जो कारावास की भी सजा सुनाई गई हो। 2(f) की जो आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध के जो संबंध में कार्रवाई भारत के एक आपराधिक अदालत के समक्ष लंबित है। धारा का जो अवलोकन करते हुए न्यायालय ने यह बताया कि जो खंड ई में विधायिका ने अपने विवेक के अनुसार 3 पूर्व आवश्यकताओं को शामिल किया। दोष पहला जो है, दोष सिद्ध आवेदन की तारीख से 5 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। दूसरा है नैतिक अदमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए सजा होनी चाहिए और तीसरा दी गई जो सजा है वो 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा उपयुक्त 3 पूर्व आवश्यकताओं में से किसी एक के अभाव में खंड ई को लागू नहीं किया जा सकता। यह देखा गया कि पासपोर्ट देने से इनकार करते समय अधिकारी दोष सिद्धि की जो अवधि है और दोष सिद्धि की तारीख बिताई गई अवधि पर विचार करते हुए हालांकि अपराध में नैतिक जो अधमता है के जो शामिल होने के सवाल की जांच नहीं की जा सकती। न्यायाधीश ने आगे ये भी कहा कि जो अधिकारियों को अन्य मुद्दों के अलावा इस पे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। न्यायालय ने नीलेश हेडा बनाम UOI और अन्य के मामले में जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसला का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि अधिनियम की जो धारा 6(2)(f) के प्रयोजन के लिए हाईकोर्ट में आपराधिक न्यायालय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हाईकोर्ट के समक्ष अपील लंबित होने की जो स्थिति में अधिनियम की जो धारा 6(2)(f) को लागू नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि यह अदालत खुद को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए कारणों और निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत पाती है और मानती है कि हाईकोर्ट एक आपराधिक अदालत नहीं है, जैसा कि 1967 अधिनियम की धारा 6(2) के खंड एफ के तहत माना जाता है कि इस प्रकार खंड एफ लागू नहीं होगा जहां अपील हाईकोर्ट में लंबित है। इसमें आगे ये भी कहा गया कि 1993 की जो अधिसूचना 2019 के निर्देशों के अवलोकन से यह पता चलता है कि सरकार निचली अपीली अदालत या हाई कोर्ट के समय जो अपील है वो लंबिता विचार नहीं किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि प्रतिवादी यह तर्क देने के लिए उपरोक्त जो अधिसूचना पर गलत तरीके से भरोसा कर रहा है। अपील मूल आपराधिक कार्रवाई की जो निरंतरता इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया हर उस मामले पर सख्ती से लागू होगी जहां अपील लंबित है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो धारा 6(2)(f) के विभिन्न खंडों न्यायिक उदाहरणों को पढ़ने से यह भी कहा गया कि संदेह के दायरे से परे खंड ई और एफ का धारा प्रयोज्यता पूरी तरह से अलग है, दोनों धाराओं के बीच स्पष्ट द्वंद है। इसमें कहा गया कि इस प्रकार 1993 की जो अधिसूचना और 2019 के निर्देश जो लंबित अपीलों पर लागू नहीं होते हैं। कोर्ट ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि जो सरकारी अधिसूचना जो 25/7/1993 यानी ट्रायल कोर्ट के समय जो लंबित आपराधिक कार्रवाई पर लागू होती है और 2019 में जारी निर्देशों के अनुसार केवल FIR दर्ज करना पर्याप्त नहीं है जबकि मामला अदालत के समक्ष दर्ज किया जाना चाहिए और अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। उपरोक्त आलोक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो याचिकाकर्ता ने दोष सिद्धि की जो तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले पासपोर्ट के लिए आवेदन दायर किया था, दोष सिद्धि की तारीख से 5 वर्ष की अवधि यानी कि 8/10/2018 को समाप्त हो गई। प्रतिवादी संख्या जो 3 है और याचिका द्वारा दिए गए नए आवेदन यदि कोई हो तो तारीख
से 8 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि पासपोर्ट मुद्दों से संबंधित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए इस फैसले को समाप्त करने से पहले या अदालत इस प्रकार अदालत के जो आधिकारिक क्षेत्र में आने वाले सभी पासपोर्ट अधिकारियों को लंबित और बाद के आवेदनों पर कार्रवाई करते समय इस अदालत की जो टिप्पणियां और निष्कर्ष पर विचार करने का भी निर्देश देगी। जो यह एक इम्पोर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आया है। केस का जो टाइटल है मोहन लाल उर्फ मोहन बनाम UOI और सभी जुड़े अन्य मामले में। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भी संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए